व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, यदि हम ज्योतिष की बात करें, कुंडली की बात करें, तो शनि ग्रह से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। शनि ग्रह हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। सौर मंडल में 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि माना जाता है, और इसीलिए यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। शनि ग्रह एक जातक को 7.5 वर्षों तक प्रभावित कर सकता है। शनि की गति सबसे धीमी होती है। यह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। चलते चलते यानी गोचर करते हुए शनि जिस राशि में स्थित होता है, वह राशि और उससे दूसरी राशि और 12वीं राशि वाले जातक 7.5 के प्रभाव में होते हैं। यानी जिस राशि में शनि इस समय स्थित है, वह राशि प्रभावित होगी, उससे अगली वाली राशि प्रभावित होगी, और 12वीं राशि वाली जातक शनि की 7.5 से प्रभावित होते हैं। वर्ष 2018 में वृश्चिक अंतिम चरण में, धनु द्वितीय चरण में और मकर प्रथम चरण में 7.5 शुरू होगी। यानी कि जो लोग वृश्चिक राशि से संबंधित हैं, उनके अंतिम चरण में जो है शनि देव हैं, शनि ग्रह है। जो लोग धनु राशि से हैं, उनके द्वितीय चरण में और मकर राशि के प्रथम चरण में 7.5 शुरू होगी। इसी प्रकार शनि जिस राशि में स्थित है, उस राशि से चतुर्थ यानी चौथे और अष्टम राशि वाले जातक, उससे 8वीं राशि वाले जातक 2.5 से प्रभावित होते हैं। तो वर्ष 2018 में वृष और कन्या राशि, जो वृष राशि के जातक हैं और कन्या राशि के जातक हैं, वो शनि की 2.5 से प्रभावित होंगे। तो 2018 में शनि ग्रह वृश्चिक राशि को प्रभावित करेगा, धनु राशि को प्रभावित करेगा और मकर राशि को प्रभावित करेगा। जो लोग वृश्चिक राशि से हैं, शनिदेव उनके अंतिम चरण में हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को नीच ग्रह माना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में शनि अशुभ होता है, उसे अवश्य ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र से अलग शनिदेव को यानी शनि ग्रह को सूर्य का पुत्र माना जाता है, शनिदेव यानी देवता माना जाता है, और शनिदेव को कर्म फल दाता माना गया है, न्याय का देवता माना गया है। इसके अनुसार शनि मनुष्य के कर्मों को देखते हुए उन्हें दंडित या पुरस्कृत करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसका भुगतान शनिदेव उन्हें उसी प्रकार से करते हैं। इसलिए हर किसी को शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनिदेव आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि उच्च राशि में होता है, उनके राजयोग के कारक बनता है, उनके लिए 7.5 की अवधि काफी शुभ फलदायी होती है। तो शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के लिए शनि शुभ है, जिनकी राशि में शनि शुभ है, उन्हें अनुकूल फलदायी होता है, और शनि की 7.5 में ऐसे व्यक्ति काफी उन्नति करते हैं, ऐसा देखा गया है। स्वयं मैं इसका उदाहरण हूं। 7.5 साल की 7.5 और 2.5 साल की 2.5 के वक्त में शनिदेव जातक को उसके कर्मों का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि 7.5 साल की 7.5 के समय और 2.5 के समय शनिदेव जातक को उसके कर्मों का फल देना शुरू कर देते हैं। यदि आपके काम रुकने लगते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो जान लीजिए कि शनिदेव आपको पीड़ित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि दोष है, और ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ उपाय करना जरूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के प्रभाव आपको अशुभ मिलते हैं, शनिदेव की 7.5 आपको परेशान करती है, तो फिर आपको
कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। जिन लोगों को साढ़े साती या ढैया है, शनि की नजर लगने वाली है, ऐसे लोगों को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि आप सावधान नहीं होते हैं तो शनिदेव स्वयं आपको सावधान करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। जब जब शनिदेव राशि बदलते हैं, जब जब शनि ग्रह राशि बदलते हैं, तब तब खुद रूप बदल कर आते हैं। शनिदेव किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। अब उनको पहचानना आपके पास है, आपको पहचानना है कि कौन से रूप में शनिदेव आपके पास आए। तो शनिदेव को कैसे पहचाने, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, शनिदेव को यदि आपको पहचानना है, यदि आपके शनि की साढ़े साती चल रही है या फिर ढैया चल रही है, तो आप शनिदेव को पहचान सकते हैं। कैसे, इस प्रश्न का जवाब भी हम यही बताने वाले हैं। शनि का रंग काला माना जाता है, तो दोस्तों अगर अचानक कोई काला व्यक्ति आपसे मिले और आपको नेक रास्ते पर चलने के लिए कहे, कुछ अच्छा सुझाव दे, तो समझ लीजिए कि शनिदेव हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव लंगड़े हैं, तो यदि कोई लंगड़ा व्यक्ति या कोई अपंग व्यक्ति आपसे मिले और आपसे भलाई की बातें करने लगे अचानक, तो समझ लेना कि शनिदेव आए हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं जो रोजाना आपसे मिलते हैं, जो रंग में काले हैं या लंगड़े हैं। शनिदेव अचानक प्रकट होंगे आपके सामने, अचानक एक अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं पहचानते हैं, ऐसा व्यक्ति आपके पास यदि आता है और आपको भलाई की बातें करने लगता है, अच्छे रास्ते पर चलने की बातें करने लगता है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव आए हैं। अगर कोई बड़ी दाढ़ी का बुढ़ा व्यक्ति आपसे मिले, तो आप उसकी मदद अवश्य करें, क्योंकि शनिदेव आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। वो शनि के रूप में हो सकते हैं। और दोस्तों, शनि गरीब व्यक्तियों का प्रतिनिधि होता है, तो यदि कोई गरीब व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे, तो सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं यह शनिदेव हो सकते हैं। थका हुआ, हर काम धीरे करने वाला काला और बुढ़ा आदमी शनिदेव का रूप हो सकता है। थका हुआ, हर काम को धीरे धीरे करने वाला या फिर बुढ़ा व्यक्ति शनिदेव के रूप में आपके पास आ सकते हैं। आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो यदि ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया है, और यदि आप शनिदेव के साढ़े साती और ढैया से अशुभ प्रभाव को झेल रहे हैं, तो कुछ उपाय आप कर सकते हैं। तो यह उपाय क्या है, इन उपायों के बारे में हम एक विस्तृत वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारा यह चैनल या आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इस चैनल से, इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक जरूर करें। लेकिन यदि आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है, तो दोबारा ना करें, अन्यथा वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और पहली बार सब्सक्राइब करने पर आप सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर क्लिक अवश्य करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार आपको मिलती रहे। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।